आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। तो देखा आपने, ये थे भगवान दादा। ये तो सभी जानते हैं कि हीरो बनने के लिए हैंडसम होना, खूबसूरत होना और जवान होना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान दादा में ऐसी कोई खूबी नहीं थी। ना तो वो हैंडसम थे, ना खूबसूरत थे और ना ही जवान थे, लेकिन फिर भी किस्मत के बड़े धनी थे। कई बड़ी बड़ी मशहूर हीरोइंस के साथ हीरो बन के आए। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी, तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। तीर चलाना छोड़ दो। मैंने भगवान दादा के साथ कई फिल्मों में काम किया था। दोपहर को खाना खा के लंच ब्रेक में वो आराम से मेकअप रूम में सो जाते थे और मुझे बड़ी हैरत होती थी, क्योंकि उनमें एक अजीब आदत थी। वो सोते थे लेकिन आंखें बंद नहीं करते थे, आंखें खुली रख के सोते और बड़ी गहरी नींद में चले जाते थे। और मेरी समझ में नहीं आता था कि उन्हें नींद कैसे आ जाती है। धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, धीरे से आ जा। भगवान दादा के साथ जब मेरी शूटिंग होती थी तो बहुत मजा आता था। हम लोग बहुत गप्पे मारते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भगवान दादा, आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है या कब होती है? तो कहने लगे, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तबस्सुम उस वक्त होती है जब कोई विलन किसी हीरोइन की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और वो चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। जब मैं ये सुनता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। भगवान दादा बहुत गरीब थे और एक चौल में रहते थे, फिर भी जैसे तैसे दोस्तों की मदद से कुछ पैसे जमा किए और 1951 में उन्होंने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था अलबेला और अलबेला सुपर डुपर हिट हो गई। फिर क्या था, भगवान दादा पे धन दौलत की बारिश होने लगी और देखते ही देखते वो बहुत अमीर बन गए। समुंदर के किनारे जुहू पे उन्होंने कई बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, बड़ी बड़ी महंगी मोटरें खरीद ली। लेकिन साथ ही साथ दो बहुत ही बुरी आदतें पड़ गई, जुआ खेलने की और शराब पीने की। उसी दौर में भगवान दादा ने एक फिल्म और बना डाली और उस फिल्म का नाम था झमेला। लेकिन अफसोस कि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बंगले बिक गए, मोटरें बिक गईं और भगवान दादा कर्जों में डूब गए और वो राजा से रंग बन गए और उन्होंने आखिरी सांस उसी चौल में ली जिसे वो छोड़कर आए थे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।